शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये वाक्य अक्सर हम लोग सुनते हैं। लेकिन अम्बाला के जलबेरा रोड पर परशुराम कॉलोनी में आज कुछ ऐसा देखने को मिला कि लोग शराब का ठेका खोलने से पहले कई बार सोचेंगे। दरअसल परशुराम कॉलोनी में एक शराब का ठेका खोलने जा रहा था, जिसके विरोध में कॉलोनी निवासी सड़कों पर उतर गए और गुस्साए लोगों ने शराब की पेटियाँ उठाकर भी फेंक दी। बिगड़ती स्थिति को देख मौके पर पुलिस प्रशासन और एक्साइज की टीम भी पहुंची। लोगों का कहना है कि रात के समय में लड़कियां अगर कभी जाएं तो वो नहीं जा सकेंगी। रेजिडेंशियल एरिया में ठेका खोलना गलत है। अगर आज ठेका खुल रहा है तो कल को यहां लोग स्पा भी खोल सकते हैं। हम लोग कॉलोनी में ठेका खोलने नहीं देंगे। इस हंगामे के दौरान बिगड़ती स्थिति को देखते हुए एक्साइज की टीम भागती हुई नजर आई। इस बारे में जब SSO सेक्टर 9 से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। रात को लड़कियां भी हम लोग भी सब्जी लेने जाते हैं। अब देखो कॉलोनी में आज यहां पे ठेका खुल रहा है, कल वो बोल के गया मैं स्पा सेंटर भी यहां पे खोलूंगा। रेजिडेंशियल एरिया में थोड़ी सब काम चलते हैं, पास में स्कूल भी है, मंदिर भी है। इसकी दीवार पे भगवत कथा हो रही है 23 तारीख को, उसका बैनर लगा हुआ है और उसी पे क्या हमारे सनातन का भी इन्होंने ऐसे की तैसी कर दी। मतलब पैसा ही सब कुछ है, पूरी कॉलोनी की बहन बेटियों के लिए सेफ नहीं है। आदमियों ने पीनी है पिए, जहां मर्जी जाके पिए, लेकिन यहां ठेका नहीं खुलेगा। आपने तोड़फोड़ भी करी है? हाँ, कॉलोनी अभी तो थोड़ी की है इन्होंने, ट्रेलर किया है औरतों ने, कल ये सारी आएंगी घरों से। आज तो इनको वार्निंग दी है, कल 2-4 लोगों के यहाँ से फोन आए हैं। परशुराम नगर का मोड़ है और यहाँ से लेडीज बच्चे अपना स्कूल की बस स्टॉपेज बना हुआ है, छोटा है, और यहाँ बच्चे उतरते भी हैं और स्कूल भी जाते हैं, तो इसलिए ठेके को इसको बंद कराया जा रहा है और किसी भी कीमत के ऊपर इसको ठेके को खुलने नहीं दिया जाएगा। अपने वार्डवासियों के साथ तत्पर खड़े हैं।